नमस्कार, बड़ी बहस के छत्तीसगढ़ एडिशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है क्योंकि लगातार 5 दिनों तक सदन में हंगामा ही हंगामा दिखा है। सत्र के पहले दिन जब बृहस्पति सिंह के मुद्दे पर सदन में संग्राम शुरू हुआ तो ये लगने लगा था कि मॉनसून सत्र की कार्रवाई हंगामेदार तो रहने वाली है। अब विपक्ष बृहस्पति सिंह के मुद्दे पर आग बबूला नजर आया। हालांकि गृह मंत्री ने सदन में इस मामले को लेकर के सफाई भी दी, लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता की वजह से सदन में यह संग्राम चलता रहा। हालांकि शोर शराबे के बीच में सदन में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई, लेकिन बात विधानसभा मॉनसून सत्र के अगर पहले दिन की करें तो विधायक बृहस्पति सिंह का यह मुद्दा पहले दिन ही छाया रहा। इसको लेकर के सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने बृहस्पति के आरोप पर सदन में खूब हो हल्ला किया। जब सदन का सदस्य ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे विधायक की आबेसात है। शून्यकाल में बीजेपी ने खाद और बीज की कमी के मुद्दे को उठाया, मांग और आपूर्ति की स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव को लाने की मांग की। कृषि मंत्री के वक्तव्य से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन भी किया। सत्र के दूसरे दिन महाविद्यालयों में रिक्त पदों के मामले को सदन के अंदर उठाया गया। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का जवाब देते हुए 1384 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलने की बात को कहा गया। इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों का मामला भी सदन में जोर शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से शराबबंदी के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, 3 जुलाई 2021 तक एक समिति में कौन कौन है, कब बैठक हुई है और शराबबंदी के लिए क्या की गई है, ये सवाल भी सदन में पूछा। सदन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के वक्तव्य को लेकर सदन में हंगामा हुआ। सदन में मंत्री टी एस सिंहदेव नाराज होकर के सदन से बाहर निकल गए और बुधवार को सदन में वो नहीं गए। नेता प्रतिपक्ष ने ब्रजमोहन अग्रवाल ने बृहस्पति मामले में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की और नेता प्रतिपक्ष आया तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे कि आखिर मॉनसून सत्र कितना हंगामेदार रहा है। 2.5 साल में एक भी बार आपकी बैठक नहीं हुई, एक भी बार बैठक नहीं हुई। 2.5 साल का समय आपका निकल गया और उल्टा गिनती भी शुरू हो गई और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि समय समय पर नहीं होता। कोई भी समाज के जो संगठन के चुनाव होते हैं, किसी का 3 साल का कार्यकाल है, किसी का 5 साल का है। तो आपने इसमें जो नाम दिया है 21 समाज का एक भी अध्यक्षों का चुनाव नहीं हुआ और कितने बार आपने समाज संपर्क उनके संपर्क किया आप। और ये जो स्थिति है, या तो इसको आप डिजॉल्व कर दीजिए। डिजॉल्व इसलिए कर दीजिए कि 2.5 साल में आप उनका नाम नहीं ले पाए, बैठक नहीं बुला पाए, ऐसे समिति का कोई औचित्य नहीं है। उसमें शराबबंदी का पूर्ण उसमें घोषणा पत्र में दिया हुआ है। शुरुआत तो समिति बनाई उसकी बैठक हो नहीं रही है। अरे चुप रहो। राजनीतिक समिति की बैठक 19 अगस्त 2019 को आयोजित हुई, प्रशासनिक समिति की बैठक 9 अक्टूबर 2019 को आयोजित हुई। ये दोनों बैठकें हुई है। जहाँ तक सामाजिक समितियों का सवाल है, कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाया, ये बिल्कुल सत्य है। जल्दी इसकी बैठक बुलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। यह प्रतिनिधि, ये पदेन है, समय समय पर इनके चुनाव होते रहते हैं, इसलिए इसमें नाम नहीं है। समय समय पर जो भी अध्यक्ष बनेंगे वो पदेन रूप से उसमें उपस्थित हो पाएंगे। मैं अकबर जी, मैं इसीलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 1 जनवरी 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार सचिव आबकारी की अध्यक्षता में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा हेतु राज्य शासन जहाँ पूर्ण में शराबबंदी लागू की गई थी उसके लिए एक समिति बनी और उस समिति के आधार पर फिर आगे की 3 समितियां बनाई गई। तो कुल मिलाकर के सत्र में जमकर हंगामा हुआ है। सत्र में संग्राम लगातार चलता रहा है। पहले दिन से जो मुद्दे उठने शुरू हुए वो लगातार जारी रहे हैं और कई मुद्दों को इन सब के बीच में उठाया गया, लेकिन सदन के अंदर चाहे शराबबंदी का मामला हो या कार्य समितियों की कार्यशैली हो, इसको लेकर के सवाल हो या बृहस्पति सिंह का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि उठे। इसके अलावा खाद और बीज की समस्या को लेकर के भी सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला है। तो 5 दिनों तक सदन जो चला उसमें जमकर हंगामा हुआ। छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा के इस मॉनसून सेशन के अंदर ये तमाम विषयों को उठाया गया। विपक्ष ने इस मुद्दों को उठाते हुए जमकर हंगामा किया है। अब सरकार के सवाल से भी असंतुष्ट है विपक्ष और सदन के अंदर जमकर हंगामा ही हंगामा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हंगामे की भेंट आप कह सकते हैं कि विधानसभा का ये मॉनसून सत्र रहा, जिसके अंदर तमाम जरूरी विषय भी उठे लेकिन हंगामा जमकर हुआ और पहले दिन की ही कार्रवाई से जो हंगामा शुरू हुआ वो लगातार 5वें दिन तक भी जारी रहा।
तो कुल मिलाकर के कई महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिसको लेकर के संग्राम भी हुआ, उसको लेकर सवाल भी उठे, लेकिन विपक्ष चूंकि इसको लेकर के लगातार सवाल उठाता रहा, सत्ता पक्ष ने जो जवाब दिया और चलिए इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, और के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय जी आपके पास ही आता हूँ, चूंकि हम लोगों ने देखा लगातार जो मानसून सत्र है उसके अंदर खूब हंगामा हुआ है, तमाम विषय भी उठे, लेकिन विपक्ष जिन बातों को उठाता रहा उसकी वजह से हंगामा खूब हुआ। ये मानसून सत्र कैसे आप देखते हैं, इस हंगामेदार सत्र के बीच में क्या आपको लगा कि जो तमाम विषय थे या जिनको आप लोग रखने की कोशिश कर रहे थे वो सही तरीके से उस कार्रवाई के दौरान हो सके, कैसे देखते हैं ओवरऑल इस पूरे मॉनसून सत्र को? आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा धनंजय जी। धनंजय जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज ही नहीं आ रही आपकी यार। धनंजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो धनंजय जी, तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं केके जी का रुख कर लेता हूं। केके शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे सत्र को, क्योंकि कई मुद्दे उठे, हंगामा भी खूब जमकर हुआ, लेकिन पांच दिनों तक ये जो पूरी कार्रवाई चली, ओवरऑल ये सत्र आपको लग रहा है कि जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए थी या जिस तरीके की उम्मीद थी, कमोबेश कुछ वैसा ही रहा, कैसे देखते हैं इस पूरे सत्र को? इस बार के सत्र में एक खासियत ये रही कि कम संख्या के बावजूद भाजपा विधायकों की सक्रियता देखने लायक रही, शुरू से अंत तक देखें, और मतलब सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने भी तारीफ की कि जिस ढंग से मामला उठा, और सदन से लेकर सड़क तक के जो लड़ाई की जो बात की थी वो पुरंदेश्वरी जी प्रदेश प्रभारी बैठक लेती है, उसके बाद यहाँ किसान आंदोलन चलता है सड़क पर, दूसरी तरफ किसान के मुद्दे, वही खाद बीज के मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा होती है, दूसरी ओर जो विधेयक आने वाला है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा संस्थान का, वो मामला भी एक दिन पहले उठ जाता है, केंद्रीय मंत्री उस मामले को लेके आते हैं, फिर उस पर एक अलग चर्चा हो जाती है, फिर वो विधानसभा में उस पर चर्चा होती है, और शराब का मामले को लेकर के जो हम है, और अपराध को लेकर, ऐसे प्रमुख विषयों को लेकर पांच दिन को हम देखें तो एक अच्छे ढंग से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है ये कहा जा सकता है। और सत्ता पक्ष के ने जो अभी 2485 करोड़ रुपए का बजट जो पास करा उसे 1,07,000 करोड़ का हमारा छत्तीसगढ़ का बजट चले गया है, तो कुल मिलाकर के अपराध को लेकर के खाद बीज के मामले को देखें या एक अस्पताल के सरकारीकरण की या निजी से सार्वजनिक की ओर एक कदम बढ़ाने की बात करें, और दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों की भूमिका भी हम देखें तो बेमेतरा के विधायक आशीष छाबड़ा ने शिक्षकों के मतलब उसमें स्कूलों में जो फर्नीचर के मामला उठाया जिसमें शिक्षा उसमें कार्रवाई भी हुई, शिक्षा अधिकारी को हटा दिया गया बेमेतरा से, ये एक बड़ी बात आई। उसी तरह से रेत का आज जो मामला उठाया कि रेत जो जगह जगह डंप किया गया है उस मामले को धर्मलाल कौशिक और अन्य भाजपा नेताओं ने जिस ढंग से उठाया हुआ भी रहा कि एक बात आई कि 27 स्थानों पर रेल केवल रायपुर जिले में बल नारायणपुर की बात आई कि वहां पे 80,000 रुपए में यूपी रेत भेजा जा रहा है छत्तीसगढ़ से। इस तरह से जो मामले उठे हैं ये निश्चित रूप से एक विपक्ष ने अच्छी भूमिका अदा की है, और मानते हैं कि विपक्ष में अभी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री है, पूर्व मंत्रीगण है, तो निश्चित रूप से इस बार उनकी भूमिका जो है बहुत ही मजबूत नजर आई। यहाँ तक कि टीएस सिंहदेव और बृहस्पति विवाद में भी हम देखें तो यहाँ पे विपक्ष की एक मजबूत भूमिका नजर आई है। जी धनंजय सिंह जी, विपक्ष ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है, इन मुद्दों को उसको उठाना चाहिए, पुरजोर तरीके से वो उठा पाया है, लेकिन इस मॉनसून सत्र से क्या कुछ निकल कर सामने आया, थोड़ा समझाएं धनंजय सिंह ठाकुर जी। देखिए आयोग जी, जिस उद्देश्य से मॉनसून सत्र का आयोजन किया गया था, इसमें अनुपूरक बजट पास होने से एक निजी चिकित्सालय जो कॉलेज महाविद्यालय है उसका अधिग्रहण करने का बिल उसे आना था, और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहां पर जो घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के 20,000 गांवों के लगभग 15 लाख के आसपास जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनके लिए हमें एक न्याय योजना शुरुआत की, वो साल में 6,000 रुपए मिलेगा, जिसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो पूरी तरीके से आप देखेंगे कि मानसून सत्र को
छत्तीसगढ़ के विकास के साथ जो हमने देखा है, विकास साथ जोड़ा है और यहाँ के व्यक्ति विकास की हमारी योजना है उसमें काम किया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो विपक्ष में है, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विकास को बाधित करने का जो उनकी रणनीति रही है उसके तहत उन्होंने काम किया। आप लगातार देखेंगे वो सदन में सवाल लगाते रहे और सदन से वॉकआउट चलते रहे, तो विपक्ष की भूमिका है वो उसमें सकारात्मक नहीं रही है। और लगातार जो विपक्ष जो मैक्सवास्तव सत्ता परिवर्तन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के हर विकास के मुद्दे का विरोध करना, चाहे वो किसानों को धान किया 2500 देना हो, चाहे तेंदुपत्ता का मांग 2500 बढ़ा 4000 रुपए करना हो, चाहे भवन में खरीदी हो, या जो महामारी काल में जब हम केंद्र सरकार से जो मदद छत्तीसगढ़ के मांगे, हर विषय में भारतीय जनता पार्टी से विरोध करने काम किया, वही चीज दिखा है। और इस सत्र के पहले भी आप देखेंगे अभी जितने भी विधानसभा सत्र हुए हैं हमारे शासनकाल के दौरान, उस दौरान भी विपक्ष की भूमिका सदन छोड़ मांगने वाली स्थिति रही, कहीं ना कहीं विपक्ष की नकारात्मकता है उसका नुकसान छत्तीसगढ़ को हुआ है। सरकार की जो योजनाएं थी, जो हम नई योजना राज्य की लाना चाहते थे, वो हम लाने में सफल हुए हैं और राज्य को अब हर साल 150 डॉक्टर मिलेंगे, निजी चिकित्सालय को हमने अधिग्रहण किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी मंशा पूरी हुई है और विधानसभा सत्र बेहतर रहा है। संजय श्रीवास्तव जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। संजय जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। संजय जी, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए इस मानसून सत्र के अंदर वो नकारात्मक रही है, मुद्दों को उठाते रहे, प्रश्नकाल में प्रश्न लगाते रहे, लेकिन फिर वॉकआउट भी आप लोग कर दे रहे थे, ये आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब दें। देखिए, 2.5 साल पहले एक इको हो रहा था, इको कम करवाएंगे। 2.5 साल पहले जब हम बहुत कम संख्या में विधानसभा में हम आए, केवल 14-15 की हमारी संख्या आई, तब ये हमको कहते थे कि हम बहुत कमजोर विपक्ष हैं, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता इस बात को कहते हुए आयुष भाई कि 2.5 साल के बाद जब ये सत्र मैंने देखा तो मुझे लगता है ये 14 हमारे विधायक के 70 पर इतने भारी पड़ गए कि मुझे लगता है कि सरकार हिल गई है, सरकार को वो इतनी बार कटघरे में खड़े किए, मत विभाजन हो गया, ये जो मेडिकल कॉलेज का जो इन्होंने प्रस्ताव लाया है वो किन नियमों के तहत आ गया, जब पूछा जाता है तो सरकार सहम जाती है और सरकार ये नहीं बता पाती कि किन नियमों के तहत निजी संपत्ति के इस विषय को यहां पर लाया गया। तो ये हमारी प्रखरता, ये हमारी ताकत, ये हमारा विश्वास है कि संख्या बल पर हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन इस सरकार को हिलाने के लिए हम काफी हैं, पहली चीज। दूसरा विषय ये है, ये तो नारा पूरे प्रदेश में चल गया है कि न कर्जा माफ न बिजली हाफ और अगली बार भूपेश सरकार साफ। मैं कहां से स्टार्ट करूं और कहां पर खत्म करूं, लेकिन मैं पीछे नहीं जाना चाहता। केवल हम इसी सत्र को यदि बातचीत करें, पहले एक ऐसे मंत्री जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे हैं रहेंगे, उनका अविश्वास कि सदन के अंदर से, संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा कि अपनी सरकार पर अविश्वास करके एक वरिष्ठ मंत्री सदन छोड़कर चले जाते हैं। इस सरकार की इससे बड़ी असफलता नहीं हो सकती कि उनका मंत्री को ही उस सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए। इसके बारे में सरकार क्या कहेगी, मुझे लगता है इनके पास में जवाब नहीं है। एक विधायक इस प्रदेश के अंदर में एक मंत्री पर हत्या का आरोप लगाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, हाईकमान के पास में जाऊंगा यह आरोप लगाता, इससे शर्मनाक स्थिति किसी सरकार या पार्टी की किसी प्रदेश के अंदर में नहीं हो सकती। तीसरा विषय, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का विषय है, 2.5 साल में 70 किसी एक कॉलेज के लिए चिंता नहीं, अचानक चिंता, और वो भी चिंता अपने घर परिवार वाले मेडिकल कॉलेज की चिंता, वो भी चिंता की जो डिफॉल्ट कॉलेज है, वो भी चिंता जिसकी एनसीआई ने मान्यता रद्द कर दी है, वो भी चिंता जिससे बैंक ने उसको करेक्ट किया है, वो भी ऐसा कि तमाम प्रकार जिसमें धोखाधड़ी का आरोप है, उसकी चिंता आखिर क्यों, तमाम प्रकार के सवाल खड़ा किए गए, लेकिन सरकार अब मालूम है कि 23 में जाना है, जो करना है कर लो, इस स्थिति में यह सरकार आ गई है। तो मेरा यह कहना है कि जिस विषय पर कहें, मैं शराबबंदी की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बेरोजगार भत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्जा पूरा आपने नहीं किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिजली हाफ की बात करते हैं, 400 यूनिट करते हैं, मैं कहां से बात करूं, कहां जाकर करूं, तमाम प्रकार के विकास के काम खत्म हो गए, 50,000 करोड़ का कर्जा केवल 2.5 साल के अंदर में, कौन सी उपलब्धि बता रहे हैं पैसा बांटकर, आप अभी 6,000 दे रहे हैं। एक और विषय आपने दिया, मैं स्वागत करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, भूमिहीन परिवारों को 6,000 ना, जब 6,000 मोदी जी ने किसानों को दिया था तो हंस रहे थे कि केवल 6,000, अब कॉपी मोदी सरकार की कॉपी कि हम भी भूमिहीन को 6,000 देंगे 2,000 करके, पहले हंस रहे थे कि मोदी जी केवल 6,000 दे रहे हैं, किसानों का अपमान हो रहा है, और आज वही कॉपी। मुझे लगता है यदि काम नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष को कमजोर मत समझे, ठीक है, विपक्ष को कमजोर ना समझे, ठीक है। के शर्मा जी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विपक्ष की जो भूमिका थी वो नकारात्मक थी,
आपको लगता है, चूंकि आपने पहले ही चंक में इस बात को कहा कि विपक्ष ने मुद्दों को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया, ये क्यों लग रहा है सत्ता पक्ष को, और क्या वाकई में भूमिका नकारात्मक थी? के शर्मा जी, देखिए यहाँ तक भाजपा की बात है तो कम संख्या के बावजूद मैं कहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के भीतर किसी न किसी तरह आप देखेंगे बृहस्पत और टीएस बाबा वाले मामले में कि कांग्रेस कहीं न कहीं बात आई, एक विधायक प्रेस करते हैं उसमें आदिवासी विधायक उनके साथ खड़े होते हैं और फिर उसमें आरोप लगता है एक कद्दावर मंत्री के ऊपर, फिर मंत्री की इस तरह नाराजगी आना, दो दिन तक विधानसभा में इस पर बहस होते रहना, या जो इसमें बीजेपी ने जो इनमें कहीं ना कहीं कुछ बात है उसको जो दरार को बढ़ाने का जो काम किया उसमें बीजेपी अमेरिका में सफल रही है। भले ये बात आती है कि ये कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय नहीं था, जनता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होनी थी, लेकिन देर सवेरे मामला सुलझ गया और कांग्रेस के लिए बेहतर रहा। दूसरी चीज, जो किसान के मुद्दे को उठाया गया और रेत का मामला उठाया गया, शराब के मामले को उठाया गया, दो साल बाद अभी बैठक की बात आ रही, जैसे बताया गया कोरोना काल के कारण बैठक नहीं हो पाई है, दो गतिविधियां चल रही है, शराब को लेकर गतिविधियां क्यों नहीं, ये भाजपा का जो आरोप रहा, ये जनता में कितनी पकड़ बनाते हैं अवैध शराब को लेकर या गांजा तस्करी अन्य राज्यों से जो हो रहा है, इन सब विषयों को लेकर जिस तरह से भाजपा ने उठाया संख्या बल को देखते हुए, तो ये कहना चाहिए कि ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को एक मजबूर किया है इस विषय में आगे कार्रवाई करे, जनहित में निर्णय ले और जनहित के विषयों को लेकर के एक अच्छा डिसीजन ले, चाहे रेत के मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे अपराध के नियंत्रण का विषय हो, किसानों का विषय हो। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे विषय है जिन पर अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात आ गई, वहां पर कार्रवाई भी होना